शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। नगर पालिका के कर्मचारियों ने की जन जागरण अभियान के तहत मीटिंग, कहा मांगे नहीं पूरी हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं आज की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में वीरवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने इंदिरा पार्क में इकट्ठा होकर मीटिंग की और मीटिंग की अध्यक्षता इकाई प्रधान जय भगवान ने की और जिला प्रधान राजेंद्र तुषामण, लीलाराम सचिव, राजपाल और उप प्रधान सरोज देवी, राज्य सचिव सुनील चंडालिया और फायर ब्रिगेड के नवीन डागर प्रवीण कुमार, मनोज और सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्व कर्मचारी संघ नेशनल पेंशन स्कीम के को रद्द करवाने, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों की नियमितीकरण, समान काम समान वेतन, सार्वजनिक जनसेवा व रोजगार की रक्षा के लिए सातवें वेतन आयोग का लाभ परियोजना कर्मियों, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को सरकार की नई पॉलिसी बनाकर नौकरी से बाहर करने का रास्ता जो अपना रही है उसको सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बिल्कुल सहन नहीं करेगा। फायर ब्रिगेड का एक भी कर्मचारी हटाने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार HSSC के तहत नई भर्ती करने की बात कर रही है, परंतु 10 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पहले पक्का करें क्योंकि उनके पास कार्य का अनुभव काफी है। अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 29 अप्रैल को जींद रैली की आगामी घोषणा करेगी। 8 मई तक सरकार फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया है, अगर वह वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी 9, 10, 11 मई को हड़ताल पर चले जाएंगे और तत्काल हड़ताल वापस नहीं होगी जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को बहाल नहीं किया जाएगा। वही इस मौके पर उनका कहना था कि मैं सरकारी संघ ब्लॉक प्रेसिडेंट विजेंद्र सैनी, आज सरकारी संघ के आह्वान पर आज बहादुरगढ़ के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के नगर पालिका कर्मचारी जिन्होंने आज अपनी गेट मीटिंग की है और इसमें जो 29 अप्रैल को जींद के अंदर एक ललकार रैली होने जा रही है उसकी तैयारी के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है और कर्मचारियों को आज जागरूक अभियान चलाया गया है, लगभग पूरे प्रदेश में आज चलाया हुआ है। तो हम आज यहाँ से सभी साथियों को ललकार रैली के लिए तैयार कर रहे हैं और पूरे भादरगढ़ से लगभग सैकड़ों कर्मचारी यहाँ से जाएंगे गाड़ियों के माध्यम से, बस के माध्यम से और अन्य जो व्हीकल होंगे उनके माध्यम से। तो होने वाली जींद की जो 29 अप्रैल की रैली है उसको सफल बनाएंगे और सरकार को ताकत दिखाएंगे कर्मचारी कितनी बड़ी रैली कर सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। कितनी सूत्रीय मांगों को लेकर आप ये लगभग मांग तो बहुत हैं, परंतु सरकार ने जो वादे किए उन वादों को याद दिलाने के लिए ये रैली रखी गई है। सरकार ने समान काम समान वेतन देने की बात है वो लागू नहीं कर रही, कच्चे कर्मचारी को पक्के करने की बात है वो नहीं कर रही और ठेका प्रथा खत्म करने की और निजीकरण बंद करने की तमाम जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो उसको सरकार को याद दिलाने के लिए रैली की। कितने संघ इसमें शामिल हैं? इसमें 113 विभागीय संगठन जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ से संबंधित तमाम कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। आज बताएं मीटिंग जो हो रही है। मैं महेंद्र सिंह संगेलिया, कैशियर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। ये आज जो ये मीटिंग जो बुलाई गई है भादरगढ़ के अंदर, इसका ये आज हमारा 3रा दिन है। हमारा जो पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर जन जागरण अभियान चला हुआ है और ये जो जन जागरण जो अभियान जो चला हुआ है ये पूरे 3 जगह से चला हुआ है। पंजाब बॉर्डर से चला हुआ हमारा श्री शिवचरण के नेतृत्व में, हमारे प्रधान जी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हिमाचल बॉर्डर से चल रहे हैं और साथियों मेरे नेतृत्व में ये पलवल, ओडल और आज झज्जर जिला कर रहे हैं और ये
रिवाड़ी जिला करेंगे, महेंद्रगढ़ करेंगे, भिवानी और दादरी करेंगे। ये साथियों, ये जो हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये सरकार की जो हठधर्मी और जो वादा खिलाफी है उसके लिए कर रहे हैं। हमने बताएं मीटिंग किस लिए हो रही है। पुरुषोत्तम दानव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रांतीय सचिव, आज जो हमारे इसका जो जन जागरण का अभियान का तीसरा दिन है, ये लगातार हमारी सरकार से बातें होती रही है, लेकिन सरकार ऐसे निकम्मे पड़े पा रही है कि बार बार सरकार के अफसरों से, सरकार के मंत्री से बात होने के बाद भी नगर पालिका कर्मचारी संघ खाली आते हैं। वो अभी जो तीखा आंदोलन की जो प्रतिक्रिया जो नगर पालिका कर्मचारी संघ ने अपनाई है, इसमें 9 और 10 11 तारीख की भूख अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, या तो समय रहते हुए जो सफाई कर्मचारी है उनकी मांगे मान ली जाए, कच्चे कर्मचारी पक्कों की बात है, ठेका प्रथा समाप्त की बात है, और जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो के कहने को तो ये देशभक्त बनते हैं, लेकिन इन्होंने जो इको ग्रीन कंपनी, जो चाइनीज कंपनी है, जो पूरा हरियाणा प्रदेश का ठेका डोर टू डोर का वो दे दिया है, उसको ठेका उस कंपनी को दे दिया है। हमारी ये मांग भी है कि हरियाणा प्रदेश से इको ग्रीन कंपनी का ठेका बंद किया जाए और जितने भी कर्मचारी हैं वे पेरोल पर रखे जाए और कच्चा कर्मचारी को पक्का किया जाए। अगर जो ये मान्य नहीं मानी गई तो हरियाणा सरकार का जो 1996-97 चौधरी बंसीलाल के टाइम में जो नगर पालिका कर्मचारी संघ ने जो हड़ताल करी थी, आज वही दोबारा वही समय आ गया, वही इतिहास दोहराने का समय आ गया है कि 1996-97 वाली हड़ताल दोबारा हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी होगी। इसकी तमाम जिम्मेवारी हरियाणा सरकार और राज्य सरकार की होगी। तो सरकार पर सीधा सीधा आप बताएं कि किस तरह से जो आपने सरकार तक मांगे पहुंचाने का पहले भी काम किया था और अब तक मांगे नहीं मानी गई हैं, तो सरकार तक आप अपने बात पहुंचाने का आज लास्ट में क्या जरिया रहेगा जिससे सरकार। देखिए, हमें सरकार से काफ़ी बार हमारी बातें हुई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो हमारी कुछ मांग डिमांड है वो लिखकर के भी आई है, जैसे समान काम समान वेतन की मांग है और नगर पालिका कर्मचारी की काफ़ी मांगे हमारी लिखकर के आई है, लेकिन जो अहम बातें हैं, जो सफाई कर्मचारी की जो पक्का करने की बात है, ठेका प्रथा भंग करने की बात है, जो ठेका प्रथा में सबसे बड़ा शोषण है, यह अगर जो पहले हमारी बातें हुई है, अभी ये लास्ट दौर है और सरकार भी लास्ट दौर पर है, और जो हमारी मांगे सरकार ने जो पूर्ण रूप से इस पर हमारे नेताओं से बात करके इसका समाधान नहीं किया गया, तो आखिरी जो सफाई नगर पालिका सफाई कर्मचारी पर जो हथियार बचता है वह हड़ताल का है, और 9-10-11 तारीख की हड़ताल है। जो हमारी बातें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकाल ये हड़ताल होकर रहेगी। हड़ताल तक नहीं मानी तो सरकार फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? हड़ताल तक अगर जो हमारी बातें नहीं मानेंगे तो आखिरी में आंदोलन का ही हथियार है जो कि हम अपना रहे हैं, वैसे ये सरकार आसानी से मानने वाले नहीं है। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें।